पीलीभीत में एक झोला छाप डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के मैदना गाँव की है। बताया जा रहा है कि कल देर रात गांव के 40 साल के रामकुमार के पेट में दर्द हुआ था। परिवार वाले रामकुमार को गांव के ही झोला छाप डॉक्टर सुनील कुमार के पास ले गए, जहां आरोप है कि सुनील कुमार ने रामकुमार के इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद रामकुमार की मौत हो गई। रामकुमार के दम तोड़ते ही सुनील कुमार दुकान में ताला डालकर फरार हो गया, जिसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे और हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से सैकड़ों की संख्या में इस तरह के फर्जी डॉक्टर गांवों में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। हमारे पापा के पेट में दर्द हुआ था, तो हमारे पापा ने की दवा लिवाला और जल्दी जल्दी थी, मैं दवा लिवाने गए। कहाँ गए थे दवाई देने? इसी गांव में गए थे, मैंदने में। फिर देखो उनने नहीं लिया, उनने कहा थे उनके घर पे कोई नहीं था, तो उनके पापा ने की आप दवा दे दो, श्रीमती लगा दी। उनने कहा तुम थोड़ी देर बैठो, तो पापा को थोड़ी देर बैठा रहा, सी लगा दी, पापा की दवाई दे दो। फिर जो उसके मोहल्ले पे से निकल के आए, उसने माल लगा लिया, पापा वहीं पर खत्म हो गए। पेट में दर्द हुआ था, जब हम दवाई लेने गए थे तो उनने दवाई नहीं दी, उनने सुई लगा दी जा रही, तो हम दोबारा उनसे दवाई ताई बोल रहे थे, उनने किमार लगा के अंदर और फिर बाहर हमारे ससुर गिर गए दरवाजे पे, वो बाहर चले गए कहीं किमार लगा के, वो होने ही खत्म हो गए। क्या चाहती है? तो उनके सारे कार्रवाई करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति की मौत होगी बताया जा रहा, गलत इंजेक्शन है, किस तरह का मामला है, क्या कार्रवाई कर रही पुलिस? नूरिया थाना अंतर्गत मैदना गांव में एक व्यक्ति की झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों की तहरीर पर अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है, और घर वाले बता रहे हैं जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से हमारा मुकदमा लिख दीजिएगा। मैंने थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया कि जो भी तहरीर इनके द्वारा दी जाए उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लेंगे और गुण दोष के आधार पर विवेचना करके जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।